आगे है कि हम दोबारा उस आजादी के लड़ाई के एक एक पल को याद कर रहे हैं, एक एक पल को, कम नहीं ज्यादा नहीं, एक एक पल को। अगर भगत सिंह ने अरे गतिवाद से अरे मनोवाद से अरे जोर से बोल लो जोर से बोल लो अरे सांस सुन ले अरे मोदी सुन ले किसी और सुन ले यंग इंडिया अगेंस्ट सी ए एन आर सी एन पी आर का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों की देश भर में बनी है नौजवानों का जो हमारे एकता के लिए, उसके संदर्भ में हम लोगों ने 3 मार्च को यंग इंडिया का हुंकार नो टू सी ए एन आर सी एन पी आर का दिल्ली चलो का कॉल दिए हैं। देश भर में हर जगह जाके लोगों से हम संविधान के पक्ष में जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसके पक्ष में गोलबंदी करते हुए दिल्ली चलने का प्लान लिए हैं। ये जो सरकार ने सी ए एन आर सी एन पी आर को लागू किया ये तो बेहतरीन बात है कि पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है जो जनता सरकार को सिलेक्ट कर इलेक्ट करता था, हम लोग इलेक्ट करके उनको चुनते थे, उल्टा सरकार अब कह रहा है चुनने के बाद हम आपको सिलेक्ट करेंगे। इलेक्शन से सिलेक्शन मॉडल में सरकार जा रही है, हम अपने वोटर को करेंगे। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये देश, ये संविधान और ये लोकतंत्र चलाने वाले लोग, नेता हम भारत के लोग हैं। संविधान की जो 3 पंक्ति है, हम भारत के लोग, उन्होंने संविधान दिया उसके आधार पर सरकार आई। अब सरकार पलट के कह रहा है नहीं नहीं आप भारत के लोग नहीं हो, आप कौन भारत के लोग होंगे हम सेलेक्ट करके बताएंगे। ये खतरनाक है और हम मोदी जी से एक ही बात पूछना चाहते हैं सवाल के रूप में, आप तो सीएए को लागू किया इस बात को लेते हुए आप हिंदुओं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो हिंदू पीड़ित है या सबसे ज्यादा वंचित है दो देशों में नेपाल और श्रीलंका, उसको क्यों नहीं आपने इसमें चुना? क्यों जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट पीड़ित है चाइना में, उस चाइना को क्यों आपने शामिल नहीं किया? इसका मतलब आप हिंदुओं को फायदा भी करना नहीं चाहते। मुसलमानों से जुड़ तो बोल ही रहे हो, देश के तमाम लोगों से जुड़ तो बोल ही रहे हो, और जिन हिंदुओं के लिए आप अपना राजनीति भी चमकाना चाहते हैं उनसे भी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपकी राजनीति ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, आपका हिंदुत्व का है, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए है, इसलिए आप हिंदू मुसलमान करने में आगे बढ़े हुए। और ये बात इस देश का नौजवान समझ रहा है, इस देश का यंग इंडिया समझ रहा है, इसीलिए वो आगे रह के अपना जज्बे को, इस देश के प्रेम को आगे जता रहा है। हम कोई डिसेंट नहीं कर रहे ना हम कोई आंदोलन कर रहे, हम हमारे संविधान के पक्ष में खड़े हैं, अगर कोई इसका विरोध में खड़ा है संविधान के विरोध में वो मोदी शाह। सर जिस तरीके से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट एक तरफ क्लियर क्लियर कट है कि हम वापस नहीं लेंगे और हमारा जो स्टैंड है क्लियर, तो आगे आप लोग का क्या प्लान रहेगा, इसके कैसा आगे आप सोचते हैं कि कैसा होगा? 200 साल लड़के हम लोगों ने हमारा संविधान को हासिल किया, इनके डराने धमकाने से उस आंदोलन को, उस भगत सिंह अम्बेडकर और गांधी के विरासत को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। मैं अभी अपने सभा में भी बोल रहा था, इस देश में कोई रहा नहीं था, मुसलमान इस देश के हकदार था, आज़ादी के लड़ाई में उनकी जो खून है उसके खून उसके मिट्टी से उसके मिट्टी शामिल है इसके हिंदुस्तान में, और किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी अमित शाह के बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये कि वो तय करेगा कि कौन रहेगा। और उस आज़ादी के आंदोलन के उसूलों को दोबारा जनता के बीच में हम लोग यंग इंडिया की तरफ से ले जाएंगे, एक एक जगह पर हम लोग ले जाएंगे, इसके बाद तमाम जगह से चलो दिल्ली का 3 मार्च का कॉल को हम लोग व्यापक तरीके से 1 लाख लोगों को कम से कम दिल्ली में हम लोग संविधान के पक्ष में 3 मार्च को जुलूस करें।